तो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, डॉक्टर जफर फराज है, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है, नर्स है। तो जो मैं बोलूंगा वो उसी की ही जुबान होगी, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं करूंगा, ठीक है। और जो भी उसने सिखाया है, ठीक है, उसे हमने सीख के जो है ना, आई एम नाउ एबल टू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू यू पीपल। ओके, अच्छा, रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स, थैंक यू वेरी मच इंटरेस्टिंग मी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे इतना इतना काबिल समझा कि मैं आपको एक स्किल सेट इम्पार्ट कर सकूं, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स आर पीएचडी, इवन आल्सो वी आर हैविंग एमबीबीएस, वी आर आल्सो हैविंग एमएसएन, बीएस स्टूडेंट्स आल्सो, ओके। तो ये हमारी स्कॉलर्स की थोड़ी सी वो है, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू टू टीच यू पीपल, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, ओके ओके। नाउ वी कम टू द मेन थिंग, माइक्रो रे डेटा एनालिसिस, द कोर्स इंट्रोडक्शन, और वी कैन से द वेबिनार इंट्रोडक्शन। तो इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली व्हाट इज माइक्रो रे एनालिसिस। माइक्रो रे एनालिसिस तो आई थिंक के मोस्टली सबको मैक्सिमम पता होगा कि माइक्रो रे एनालिसिस क्या है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा यूट्यूब पे मौजूद है। बट वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट माइक्रो रे एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ माइक्रो रे एनालिसिस। ये दो स्टेप्स, दो मॉड्यूल्स जब हम कवर करेंगे, सो देन वी विल स्विच इनटू द इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग, जो हमारी बहुत बेसिक चीज है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो माइक्रो रे से जो डेटा रिट्रीव होता है, जनरेट होता है। सो हाउ कैन वी डील इट विद आर स्टूडियो, और हम उससे अपनी मतलब की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू आर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू एरे एक्सप्रेस एंड जियो डेटाबेसेस, जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस होती है, हाउ वी रिट्रीव डेटा फ्रॉम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। तो उस बड़ी जो बायोलॉजिकल डेटा बेसिस है, जो सेकेंडरी डेटा उसमें मौजूद होता है, इट इज बेसिकली एरे एक्सप्रेस एंड जियो डेटाबेस। तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ताकि जब आने वाले रिसर्च टाइम में आप लोग अपना डेटा जो है ना रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज द माइक्रो रे डेटा रिट्रीवल फ्रॉम एरे एक्सप्रेस एंड जियो, एज आई हैव टोल्ड यू, एंड देन आई विल शो यू दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द माइक्रो रे डेटा से, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, अगर डेटा रिट्रीव होता है तो उसका जो है ना स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, उसके बाद हम एक्सप्रेशन सेट को समझेंगे, डेटा नॉर्मलाइजेशन, ये सारा आर में भी हम डील करेंगे, और उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मैं स्लाइड के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। पीसीए के बारे में थोड़ा बात करेंगे, बॉक्स प्लॉट्स एंड जो है एमएफ प्लॉट्स, हीट मैप्स के बारे में बात करेंगे, प्रोब एनोटेशंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स, वोल्केनो प्लॉट जनरेशन, हब जीन्स, और यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स। ये हमारा कोर्स का पूरा कंटेंट है, हम ये विल ट्राई के हम जो है ना इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर सकें, ठीक है। ओके, तो माइक्रो रे एनालिसिस टुडे, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ी सी एक दो तीन कंसेप्ट है उसमें जो अक्सर स्टूडेंट्स और इससे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन समझाऊंगा, इससे ये होगा कि जब ये डेटा जनरेट होगा तो फिर आप उस डेटा को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इधर तक मेरी जो आवाज़ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आ रही है, जो मैंने अभी तक बोला, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एक बिल्कुल भाई, आ रही वॉलंटियर है बात। बंदा जो है ना, अगर वो मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुझे आसानी होगी, और मैं ऐसा समझूंगा ना कि मुझे कोई सुन पा रहा है, ठीक है। तो पहली बात ये मैं बता दूं कि इधर जो सारे हैं वो मेच्योर कैंडिडेट्स हैं, और उससे ये पता चलता है ना कि इस वेबिनार में आने के लिए मीन्स जो है ना, जिसने ये आपने देखा होगा ग्रुप में तकरीबन 20+ थे, लेकिन तकरीबन 15 फिल्टर आउट हुए थे, सो दैट वन मस्ट बी द सीरियस वन, ठीक है। तो इसलिए मुझे आसानी होगी, और सारे से तो डोंट वरी, इजीली आप बात कर सकेंगे, और मैं आपको जो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्पांस दे सकूंगा, ठीक है। मैं जब स्क्रीन चेंज करता हूँ तो ये स्क्रीन मुझे नजर नहीं आती, तो आई डोंट नो कि जो कोई मैसेज करता है इधर, तो मुझे इतना पता नहीं चलता, तो इसलिए आप वो ग्रुप भी यूज कर सकते हैं मुझे मैसेज कर। ओके, अच्छा, और अच्छा, आप सबको तो ये पता, इस आपके हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, एडेनिन इज डिफाइंड टू थाइमिन, एंड गुआनिन इज मोस्टली डिफाइंड साइटोसिन। एडेनिन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन और साइटोसिन थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये हम पढ़ते रहे हैं अपनी सिक्स क्लास के स्टार्ट से ही, ये डीएनए का स्ट्रक्चर और इसके बारे में, ये तो ये थोड़ी सी मैं आपको रिमाइंडर देना चाह रहा था, क्योंकि दिस विल बी यूज इन द प्रोसीडिंग स्लाइड्स, ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हेल्थी माइक्रो रे डेटा एनालिसिस में, ठीक है। तो इस तरह करता हूँ मैं कि इसको थोड़ा सा मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि अच्छा, सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, माइक्रो रे एक्सपेरिमेंट हम इसलिए करते हैं, ठीक है, मोस्टली हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, हम इसको सेल नहीं कह सकते, हम इसको टिश ले लेते हैं, ठीक है।
बिकॉज जब हम सेल की बात करेंगे तो वो सिंगल सेल एनालिसिस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा हम देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सक्यूज कैंसर मी सेल सर, है और एक पैथोलॉजिकल टिश्यू है। हम इसको इस तरह लेते हैं, कैंसर सेल है सो ये हेल्थी सेल है और ये कैंसर। ठीक सो हम इसको टिश्यू ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लंग नॉर्मल लंग है और ठीक है, और ये कैंसर वाला लंग है। ठीक है तो वी वॉन्ट टू सी के फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जीन्स एक्सप्रेस होते रहते हैं जब जब सेल जो है ना वो परफॉर्म करती है, तो इसमें मोस्टली द जीन एक्सप्रेशन जो जीन एक्सप्रेस होते हैं ठीक है तो सेल परफॉर्म करता है। ठीक है तो इसमें भी फॉर एग्जाम्पल जीन्स की परफॉर्मेंस होती एक्सप्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जीन ए ले लेते हैं। ठीक है तो हम इस तरह देखना चाहते हैं कि ठीक है इसमें भी जीन ए है, इसमें भी जीन ए है, लेकिन वी वॉन्ट टू सी के हैं जब हेल्थी सेल में जीन एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल 2 है ठीक है, सो उस जीन ए की एक्सप्रेशन कैंसर सेल में कितनी है। ठीक है तो इससे हमें इतना पता चल जाता है ठीक है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जीन ए की एक्सप्रेशन 2 है और इधर जीन ए की एक्सप्रेशन 6 है, तो वी कैन से दैट जीन ए में इस तरह का कोई फंक्शन है, इसका कोई ऐसा फंक्शन है दैट इट इज प्लेइंग अ रोल इन कैंसर प्रोडक्शन। ठीक है इतना डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है ना इतना क्लू हो जाता है हमें कि हमारा हमारा जो जीन ए है ना वो किसी वो डिफरेंशियली एक्सप्रेस है। तो ऑल हम माइक्रोरे एनालिसिस हम इसलिए करते हैं दैट वी वांट टू फिगर आउट द डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन। जो डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स है हम फिगर आउट करें ठीक है कि वो कौन से जीन्स है जो नॉर्मल सेल्स के रेफरेंस से कैंसर सेल में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे। ठीक है तो इससे हमें ये पता चलेगा ठीक है कि हम उसकी उस जीन्स की फर्दर एनालिसिस करें तो वी शुड हैव एन आइडिया के उन जीन्स का कैंसर में क्या रोल है। तो देन व्हेन डीलिंग विद दैट जीन्स हमें इतना अंदाजा हो जाएगा ठीक है कि हम कोई थेरापेटिक अप्रोच निकाल सकते हैं ताकि हम उस कैंसर को रोक सके। फॉर एग्जाम्पल दिस जीन ए इज एक्सप्रेसिंग 6 फोल्ड ठीक है, 6 गुना ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है ठीक है। एंड व्हेन वी और हमें पता चल जाता है ठीक है कि ये जीन जो है ना ये कैंसर में इन्वॉल्व है, तो देन वी कैन ब्लॉक इट डाउन। हम इसकी जो है ना थेरापेटिक अप्रोच कर सकते हैं ठीक है। ओके अच्छा, तो हम ऐसा थेरापेटिक अप्रोच कर सकते हैं कि हम इस जीन ए ब्लॉक कर दें क्योंकि वो एक्टिवली जो है ना हमारे कैंसर सेल्स की प्रोलिफरेशन में हिस्सा ले रहा है। ठीक है तो हम इसको ब्लॉक कर लेंगे और इस तरह हमें एक थेरापेटिक अप्रोच मिल जाएगा। ठीक है ये तो मैंने सिंपल सी बात बता दी। तो मैं एम माइक्रोरे एनालिसिस जो है ना हम देखना चाहते हैं कि हमारे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में कौन से जीन डिफरेंशियली एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है तो फिर उससे हम आगे एनालिसिस कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा अप्रोच हमारा यही होता है। ठीक तो ये सारा लॉजिक जो है ना ये इसके बारे में था कि हम माइक्रो एनालिसिस क्यों करते हैं। ठीक है अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे आ जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वो ओके अब हम इस तरह बहुत सीधी सी मैं आपको समझा दूँ इसकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। बेसिकली हम हमारा तो मेन रोल है डेटा एनालिसिस, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अगर हमें पता चले कि एक्सपेरिमेंटली ये किस तरह होता है ठीक है तो हमें काफी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नॉर्मल सेल है और ये हमारे पास डिजीज सेल है ठीक है, इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं ठीक है और इसको कैंसर कंसिडर करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम इसे मैसेंजर आरएनए एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद ये एक अलग प्रोटोकॉल होगा, मीन्स ये अलग अलग ट्रीट होगा ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड स्पोरैडिकली ठीक है, स्पोरैडिकली ट्रीट होगा। हम इसे मैसेंजर आरएनए निकालते हैं ठीक है, देन वी कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीमेंट्री डीएनए। आफ्टर दैट हम उसके कंप्लीमेंट्री डीएनए की जो है ना स्ट्रैंड्स बनाते हैं, हम उसको अलग करते हैं एंड आफ्टर दैट वी जस्ट लोड दिस कंप्लीमेंट्री डीएनए इनटू द चिप ठीक है। तो फिर उसके बाद होता है अगर मैं आपको स्लाइड में दिखा दूं ठीक है, तो जब हमारे पास कंप्लीमेंट्री डीएनए आता है तो सिंपली हम इसकी जो है ना उसकी प्रोबिंग करते हैं, मींस हम इसे एक्सक्यूज अब फॉर मी एग्जाम्पल हमारे पास कंप्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड्स आ गई एंड मोस्टली दिस कंप्लीमेंट्री डीएनए आर फ्रॉम सर, आपकी वॉइस नहीं द क्लियर आ मैसेंजर रही। आरएनए ठीक है। तो हम इसे वही एक्सप्रेस मैसेंजर आरएनए है ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं ठीक है, हम इसकी इसके साथ स्पेसिफिक डाई जो डाई हो उसके साथ हम उस डाई को ऐड करते हैं ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी लोड इट इनटू द माइक्रो अरे चिप ठीक है। तो उसके बाद हम उसकी जो है ना फ्लोरेसेंस देखते हैं और उसको मशीन के अंदर डाल के उसकी फ्लोरेसेंस देखते हैं ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह दिखा दूं, ये हमारे पास माइक्रो अरे चिप है अच्छा, गेटिंग फेमिलियर टू द चिप, ये इस तरह होता है कि हमारे चिप के ऊपर जो है ना ये हमारा चिप का एक स्मॉल साइज है ठीक है, ये वाला ये इसके ऊपर प्रोब्स लगे होते हैं ठीक है, ये एक प्रोब है ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोब इज कम्प्लीमेंट्री टू द जीन ए ठीक है, तो जो जीन ए होगा वो आके जो है ना इधर इसकी कम्प्लीमेंट्री के साथ इसके साथ बाइंड हो जाएगा ठीक है, तो बाइंड हो जाएगा एंड इट्स ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ना वो टैग लगा होता है ठीक है, और तो वो लाइटनिंग करेगा ठीक है। जब वो लाइटनिंग करेगा तो हमारा जो सेंसर होगा उसे जो है ना कैप्चर करेगा एंड इट विल टेल अस कि जो है ना हमारा हमारे सैंपल में जीन ए मौजूद है ठीक है, और जितनी ज्यादा इसकी लाइटनिंग होगी उतनी ज्यादा जो है ना हमें बताएगा कि इस जीन्स की इतनी इंटेंसिटी है। सिंपल दैट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दो प्रॉब्स है या 3 प्रॉब्स है और तीनों के साथ जो है ना जीन ए बाइंड हो जाए
तो जब तीनों के साथ जीन ए बाइंड हो जाएगा तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन उस कलर से हमें पता चल जाएगा कि इसकी एक्सप्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नॉर्मल सेल एक दूसरा सैंपल है और उसमें भी तीन प्रॉब्स है, लेकिन उसमें सिर्फ दो जीन्स उसकी हमारी जीन ए की एक्सप्रेशन सिर्फ दो जगहों पे जो है ना बाइंड हो गई, तो इसकी एक्सप्रेशन और इसकी लाइटनिंग थोड़ी सी इसके मुकाबले में कम होगी, ठीक है। सो वी कैन से उसकी उस लाइटनिंग से हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि इधर जो है ना एक्सप्रेशन ज्यादा है और इधर एक्सप्रेशन कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे इस प्रोब के हमारे इस जो ये जो साइड है इसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन है और इसके ऊपर ये प्रोब्स लगे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये ऑलरेडी कंपनी से बिल्ट इन आता है, एंड आफ्टर देन वी लोड आवर सैंपल तो जो कम्प्लीमेंट्री होगा जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया वो बाइंड हो जाएंगे, एंड आफ्टर देट जो है ना वो अपनी उस लाइटनिंग की वजह से वो अपनी एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह का वो होता है, ठीक है। ये देखिए मैं ये हमारे पास प्रॉब्स है, एंड आफ्टर दैट अवर जीन ए और जो हमारे सैंपल में जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये इसके साथ बाइंड होके और इसकी जो है ना ये प्रॉब्स है वो फिर जो है ना हमें फ्लोरेशन देती है। एक छोटी सी वीडियो अगर मैं आपको दिखा दूँ ये वाली, कि इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके ऊपर ये डाई है, एंड आफ्टर दैट ये हमारे पास प्रॉब्स है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जीन ए है, ठीक है। तो जीन ए के प्रॉब्लम सिंपली आके जो है ना इस तरह बाइंड हो जाती है, ठीक है। और फिर बाइंडिंग के बाद हम इसको जो है ना मशीन के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। जो स्कैनर होता है बेसिकली ये तो लाइटनिंग करता रहता है, ठीक है। तो स्कैनर जो है ना स्कैनर उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और डिटेक्शन के बाद हमें बता देता है, ठीक है, कि फलान जो एक स्पेसिफिक वेल की लाइटनिंग इतनी थी और एक स्पेसिफिक वेल की लाइटनिंग इतनी थी। और उस मशीन को पता होगा, हमें पहले से ही पता होगा कि कौन से वेल में कौन सा जीन मौजूद था, ठीक है। तो ये वो हमारे पास वो डीएनए माइक्रो स्कैनर होता है, ठीक है। जब हम अपना सैंपल उस पे लोड करते हैं तो उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर इसको रख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट इट स्कैन द फ्लोरेसेंस, ठीक है। वो फ्लोरेसेंस को स्कैन करता है, एंड आफ्टर दैट इट गिव्स अस के जो है ना इसकी इंटेंसिटी वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है, ठीक है। और ये सब कुछ जो है ना वो इस लाइटनिंग के ऊपर ही होता है, जो हमारे पास ये प्रोब्स इसके ऊपर अटैच है, सॉरी ये फ्लोरेसेंस टैग्स जो इसके ऊपर अटैच है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जीन ए मैक्सिमम बाइंड हो जाए, अगर हमारे सैंपल में जीन ए बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमने जीन ए के ऊपर रेड डाई लगाया है, ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारे पास जीन ए के वो होंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ होंगे, उतना ज्यादा वो फ्लोरेसेंस करेगा। सिंपली अगर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा समझा दूँ तो शायद आपको समझ आ जाए। हम इसको इस तरह लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वो है, एक वेल है और ये दूसरा वेल है, ठीक है। और ये फॉर एग्जाम्पल ये हेल्थी और ये कैंसर, ठीक है। अब हमारे पास इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम जीन ए की बात करें, ठीक है, और इधर भी जीन ए की ही बात करें, ठीक है। अब ये एक ही प्रोब्स इधर लगी है, ठीक है, फोर प्रोब्स इधर लगी है, और सिंपली जो है ना इस इधर भी फोर प्रोब्स लगे, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने हेल्थी सेल के जितने भी मैसेंजर आरएनए के कम्प्लीमेंट्री डीएनए हैं उसको हम ग्रीन डाई देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये कम्प्लीमेंट्री हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थी में दो जीन जीन ए की टू एक्सप्रेशन थी। सेम इस केस विद फॉर एग्जाम्पल ये कैंसर है, ये अलग स्लाइड है, ठीक है, ये इधर बाइंड हो गया, ये भी बाइंड हो गया, ठीक है, ये भी बाइंड हो गया, ये भी बाइंड, ठीक है। सो नाउ वी कैन से कि अगर हम असेंबली बात करें तो इधर इस इसे जो लाइटनिंग आएगी, ठीक है, जब हम इसको माइक्रो रे की जो स्कैनर है उसके अंदर रखेंगे तो ये भी लाइटनिंग करेगा, ठीक है, और ये भी लाइट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इंटेंसिटी इसमें इसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये इसमें जो जीन ए है वो जो है ना फोर जगहों पे बाइंड हुआ है, तो इसकी जो है ना एक्सप्रेशन इसकी लाइटनिंग ज्यादा होगी। सो वी कैन सिंपली से दैट इसकी एक्सप्रेशन ज्यादा है, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थी कैंसर में एक्सप्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जीन ए जो है ना वो कैंसर में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थी। ये सारा इसी तरह का ही प्रोटोकॉल होता है, इसमें इतनी बड़ी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं होती, ठीक है। और इधर तक हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है, इधर इसलिए भी फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू आएगी और इसलिए भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एक फाइल में स्टोर होगा, ये दूसरे फाइल में स्टोर होगा, ठीक है। इसी फाइल को फिर हमने जनरेट जो है ना प्रोसेस करना है। इधर तक हमारा इसमें कोई काम नहीं है, ये सारा कंपनी का काम होता है, ठीक है। जो हमारे पास इससे डेटा जनरेट होता है वो हमारे पास आता है जो हम आज यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम सैंपल यूज करेंगे, अगर हमारे पास दो सैंपल है, ठीक है, तो एक सैंपल जीन ए का हो, एक सैंपल हेल्थी का होगा और एक सैंपल जो है ना वो कैंसर का होगा। हम उसको जो है ना उसकी डेटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम काफी एनालिसिस के बाद हम कह सकेंगे कि जो है ना हेल्थी में उसकी एक्सप्रेशन 2 थी और वो जीन ए की एक्सप्रेशन कैंसर में 4 थी। सो मीन्स के ना वो दो गुना ज्यादा जो है ना वो एक्सप्रेस हो रहा है, सो फॉर दिस जीन ए इज डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन, ठीक है। तो ये सारा कुछ था माइक्रो एरे की एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। आगे और भी मैं आपको जो है ना मजीद समझाऊंगा, ये इसी तरह की लाइटनिंग होती है
और उसके पास जो है ना जो स्कैनर है वो उसको स्कैन करता है, ठीक है। और हमारे पास इस तरह के फाइल जनरेट होते हैं, ठीक है। हमारे पास अब इस तरह हुआ ना कि जो मीटिंग टाइम है वो एंड हो रहा है, बिकॉज मेरे पास जूम का पेड वर्जन नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये मीटिंग एंड करूंगा, फिर ये रिकॉर्डिंग जो है ना ये सेव होगा और नेक्स्ट लिंक मैं आपको साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो हम स्लाइड नंबर 21 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जब ये डेटा जनरेट होता है तो उसको किस तरह का होता है और किस तरह नजर आता है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट लिंक मैं आपको जल्दी भेज रहा हूँ जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड जो है ना सेव हो जाए, ठीक है। सो अगले अगले सेशन में मिलते हैं।